अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहदिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े के व्लॉग इन्जॉय करें। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आज इतना खूबसूरत मौसम बन गया। मौसम बहुत ठंडा हो चुका है और दुआ है कि हब्स ना हो बारिश के बाद। और जब बारिश होती है उस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, और जब जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है तो हब्स हो जाती है और अजीब सा ही वो मौसम हो जाता है, समझ नहीं आती है। पसीना और अजीब सी वो कोफत सी होने लग जाती है उस मौसम से, है ना। तो दुआ यही है कि मौसम ठंडा हो, बारिश अच्छे से हो जाए ना एक दफ़ा, तो फिर मौसम बड़ा अच्छा होता है। कमरे भी जो है घर के अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा और सुपर हो जाता है। तो यहाँ पे जी बादल बहुत लग चुके हैं, शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बजने वाले हैं और बादल आ गए और बारिश अब सुना है। हमारे यहाँ भी काफ़ी दिन बारिश रहेगी, यानी कि 3-4 दिन मुसलसल बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह से मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, घर ठंडे ठंडे हो जाएंगे और पंखे से ही घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जैसे ही 2-3 दिन बारिश लगती है तो हमारे घर में ऐसा लगता है कि घर में AC की ज़रूरत नहीं होती, फिर पंखा चलाएं और कमरे बिल्कुल सुकून से, नींद भी आ जाती है और पंखे से ही माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखें जी हमारे छत पे हमारी चरपाइयाँ भीग चुकी हैं और इधर दूसरी वाली चरपाई भी भीग चुकी है। ये देखें अदीना, रहमान, इरना हम सब छत पे आके यहाँ पे खड़े हैं और मौसम इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम ऐसा ही खाना दोपहर के राइस यानी कि खाए, हम लोगों ने खाना खाया दोपहर में, राइस बने हुए थे, यखनी पुलाव बनाया था, तो वो खा के हम लोग ऐसे सोए हैं। और जब उठे हैं आँख तब खुली है कि जब बारिश हो रही थी, तो अभी हम लोग उठे हैं और इतना खूबसूरत मौसम लगा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही है। और मेरा ख्याल है कि सबके यहाँ बारिश हो रही है। और ये देखें जी अदीना बारिश में नहाने की कोशिश कर रही है और इसको मैं वापस बुलाती हूँ। अभी मगरिब की अजानें हो रही हैं और ये देखें मौसम बादल कैसा हो चुका है। और कैमरे में वैसा यानी कि कैमरा वैसे कैप्चर नहीं कर रहा जितना, जैसे कि येलो कलर का ना येलो सा कलर ज़्यादा हो चुका है, रेड रेड सा येलो सा कलर, जैसे आग सी हो इस तरह का कलर हुआ पड़ा है। और रोशनी सी ये देखें ना, ये रोशनी सी लग रही है, ग्रिल पे जैसे रोशनी सी पड़ी हुई है, ऐसे हो गया है। और जी थर्ड डे का यानी कि मैंने व्लॉग नहीं डाला था, तो क्योंकि सारा दिन खाते पीते वही चीज़ मैं बार बार नहीं दिखाना चाह रही थी। और आज है यानी कि 4th डे ईद का, ईद मेरा ख्याल है 3 दिन की होती है, ईद तो हो गई है ख़त्म। और क्योंकि आज से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो चुका है, मेरे बच्चों का समर कैंप स्टार्ट हो चुका है, रहमान सुबह गया था, इरना सुबह जाएगी, तो वही रूटीन, वही खाना पीना, वही सुबह उठना और बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाएंगे। और 1 अगस्त से मेरे बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि बच्चे स्कूल जाएँगे और अपनी रूटीन पर हम लोग आ जाएँगे। और मौसम बहुत ही खूबसूरत है, हर जगह पे कहीं पे बारिश रहमत है तो कहीं पे वो कहते हैं ना जहमत बनी हुई है। तो बस अल्लाह ताला जहाँ पे रहमत है रहमत ही बरसे, ये रहमत ही बारिश बन के बरसे हर जगह पे, और ये जो पानी इकट्ठा होता है, ये जो लोगों के घरों को मसला बनता है, ये ना हो। बाकी हमारे यहाँ इधर पानी जो है वो फौरन ही गलियों जो बनी हुई है ना, पानी कम ही खड़ा होता है। लेकिन ये है कि इस तरह जैसे बाहर हम लोग बाहर के शहरों में देख रहे हैं, कराची ये वो इधर देख रहे हैं, तो वो बहुत मसला बना हुआ है, लोगों को घरों के अंदर पानी जा रहा है। तो अल्लाह पाक बस सब पे रहमत करे और करम करे अपना। और जी हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बारिश हमें तो कम कम देखने को मिलती है, तो जब आती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। शहर में तो बारिश ज़रूर होनी चाहिए, फसलों को भी ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फसलों को कम ज़रूरत होती है या होती है, ये सब तो मुझे नहीं इतना अंदाज़ा। लेकिन खैर बारिश है, बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बारिश बेहद पसंद है।
और बारिश को इंजॉय करती हूँ मैं तो खूब, और मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, हम लोग बारिश को बहुत इंजॉय करते हैं। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि बारिश को कौन कौन इंजॉय करता है, और बच्चों को पसंद है, मामा बाबा को पसंद है, तो कौन कौन बारिश को ज़्यादा पसंद करते हैं। बस ये थी छोटी सी वीडियो अपडेट्स दे रही हूँ आप लोगों को, और क्योंकि व्लॉग आज डालना था आपको, व्लॉग कल डाला था, परसों नहीं डाला था, और आज मैंने कहा क्यों छुट्टी नहीं होनी चाहिए, व्लॉग जाना चाहिए, तो छोटी सी अपडेट आपको दे रही हूँ। और जी इस तरफ देखें बहुत ही बारिश है, यानी कि बादल बहुत हैं, इधर बिजली बहुत ज़ोर की कड़की है और चमकी है। खैर तो अभी मैं करती हूँ, ये देखें बादल, ये देखें बादल, तो अभी मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। छोटी सी वीडियो है, लाइक करें, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, और मज़े मज़े के भी लोग इन्जॉय करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मगरब की अज़ान हो रही है, हम चलते हैं नीचे, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह हाफिज़।